पर्यटन के क्षेत्र में अंबेडकर नगर जिले को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने बड़ा प्रयास किया है। जिले के दो प्राकृतिक झीलों को पिकनिक स्पॉट, नौकायन और पक्षी विहार के साथ साथ एक हिरण पार्क स्थापित करने की तरफ कदम बढ़ाया है। जहां टांडा तहसील क्षेत्र के पोंथर गांव में प्राकृतिक रूप से लगभग 100 बीघे में फैले एक प्राकृतिक झील को पोंथर लेक का नाम देते हुए जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने नौकायन करने के लिए भव्य उद्घाटन किया। दुधी लुम्बिनी राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित इस झील को पर्यटन एवं पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करने के जिलाधिकारी के इस प्रयास को देखने के लिए लोगों का तांता लगा रहा है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि उनका उद्देश्य है कि पर्यटन की दृष्टि से जिले को प्रदेश और देश के स्तर पर स्थापित किया जा सके। अम्बेडकर नगर को जो हमारे प्रदेश का पर्यटन का मानचित्र है, देश का जो पर्यटन का मानचित्र है, उसमें प्रमुखता से उसको सामने लेकर आए और उसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम लोगों ने दर्बन झील, जिसको कि पक्षी अभयारण्य के रूप में डेवलप करने के लिए हम लोग ने एक दिन में लगभग 4 घंटे जिले के जितने अधिकारी और कर्मचारी थे 2000 से ऊपर की संख्या में एक साथ वहां पर जाकर संदान किया। उसके साथ ही साथ इसके बाद जो भदौना को हम लोग सारस पक्षी अभयारण्य के रूप में डिक्लेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि सिर्फ भदौना झील ही नहीं, वरन पूरे जनपद में आप जहाँ भी जाइए वहाँ पर आपको सारस पक्षी जो है बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिल जाए।